कंपैरिजन की एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बेसिकली कंपैरिजन की वीडियोस मैं बड़ी कम डालता हूँ, कोशिश ये होती है कि मॉडल टू मॉडल हम चलें, लेकिन अभी हम आपको कंपैरिजन इसलिए करा रहे हैं कि ये सवाल मुझसे कोई 15-20 बार ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि जी 900 और 900 आई में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर लोग उसको मिसलीड हो रहे हैं उस बात से, दुकानदार उसको एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको ये बात कर रहे हैं कि जी हम आपको इन्वर्टर दे रहे हैं, कोई उसको क्या बात कर रहे हैं, कोई क्या बात कर रहे हैं। तो आज ये ऑन डिमांड ये वीडियो हमारी बन रही है, 900 आई और 900 में क्या फ़र्क है, टेक्नोलॉजी का क्या फ़र्क है, शेप का क्या फ़र्क है, और 900 प्लस 900 आई के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या वो फीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या वो वैसे ही उसकी प्रमोशन की हद तक है। तो आज हम आपको रिव्यू कराएंगे पेल वॉशिंग मशीन जो 9 kg की है, 900 की भी कराएंगे और 900 आई की भी कराएंगे, और कंपैरिजन कराएंगे कि प्राइस के अंदर जो 1500 रुपये का फ़र्क है वो क्यों है। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे दरख्वास्त है कि बेल आइकन को आपने लाजमी हिट करना है सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारे मालूमात से मुस्तफीद हो। तो 900 की जब हम बात करते हैं, ये टच एंड गो फजी टेक्नोलॉजी के साथ पेल कंपनी ने 900 की मशीन दी है। पेल कंपनी इस वक्त इमर्ज कर रही है, अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की, अगर हम पेल के अलावा बात करें, कंपटीटर की बात करें, एलजी की बात करें, सैमसंग की बात करें, डाउलेंस की बात करें, हायर की बात करें, तो ये सब के सब जितने भी ब्रांड हैं ये ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स इनको मार्केट में हो चुके हैं। और अगर हम पेल की बात करें तो पहले इस वक्त मार्केट में इमर्ज कर रहे हैं, इमर्ज होने की वजह से क्या क्या इन्होंने फीचर डाले हुए हैं कस्टमर को ग्रेप करने के लिए, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा डाली हुई है आपको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो आवाज आपको थोड़ा सा क्लियर करवाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रांड टेक्नोलॉजी से, बात हम आपसे वो करेंगे जो मशीन के ऊपर मेंशन है, जो चीज मशीन के ऊपर मेंशन नहीं है वो हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात जब हम करते हैं ब्रांड टेक्नोलॉजी की, तो ब्रांड टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, ज्यादातर आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर मुसीबत बनी हुई होती है बिजली का, लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला चल रहा होता है, तो लोड शेडिंग से बचने के लिए आप इसके ऊपर कोई फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, आपका फंक्शन हो रहा होता है और इतनी देर में पता चलता है कि जी लाइट इसके अंदर चली गई है। अब जब लाइट चली गई है तो दोबारा से जब लाइट आती है तो आपको पता होता है कि आपने सारे फंक्शन दोबारा से करने हैं, वो एक लंबी सी फटीक पड़ जाती है। तो ये काम पेल कंपनी ने खत्म कर दिया है, ये आपको दे रही है ब्रांड टेक्नोलॉजी। ब्रांड टेक्नोलॉजी में करना ये जो काम करती है ब्रांड टेक्नोलॉजी से, जहां से मशीन रुकी थी वहीं से दोबारा वो स्टार्ट लेगी, आपके आपने जितने भी फंक्शन सिलेक्ट किए थे वो वहीं पे खड़े होंगे, वहां पे बंद हुआ उसके बाद उसने स्टार्ट ले ली। अब आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, ये एक वो फंक्शन है जो बेसिकली सैमसंग दे रहा है, एलजी दे रहे हैं, और 2-3 ब्रांड ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो काम करने वाले लोग हैं, एलजी वगैरह, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं। लोकल मशीन के अंदर टॉप लोड की जो मशीन है इसके अंदर पहली दफा लोकली लोकल सतह के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंक्शन इस वक्त आ चुका है, और वो चूंकि कंपनी इमर्ज कर रही है, तो जब कंपनी इमर्ज कर रही होती है तो नए नए फंक्शन, नए नए फीचर वो डालती है कस्टमर को ग्रेप करने के लिए, और वाकई इसके ऊपर लोग ग्रेप हो रहे हैं। जब इस फंक्शन का लोगों को पता चलता है तो आपको वाकई अंदाजा हो जाता है कि अब आप अगर 41,000 रुपये दे रहे हैं तो इसके अंदर जो उस वक्त आपको सबसे अच्छी और सस्ती मशीन मिल रही है 9 kg की, तो वो पेल की 900 वॉशिंग मशीन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली करता क्या है, बेसिकली ये करता ये है कि जब आप इसके अंदर कोई भी कपड़ा डालते हैं तो उसके हिसाब से अपना फंक्शन खुद सेलेक्ट करता है, आपको मशीन ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला आपको इसके अंदर नहीं होगा। हाउ टू यूज़ वाली जब बात हम करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डालते हैं, वीडियो के उसके थंबनेल के अंदर हम डालते हैं, तो वो हाउ टू यूज़ वाली जब हम बात करते हैं तो यूज़ करना इसको बहुत आसान हो गया। टच एंड गो टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है, यहाँ से आपको नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप टच एंड गो। अब टच एंड गो क्या है, जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर दी, ये कहता है कि ये फंक्शन खुद ब खुद सिलेक्ट करता है, तो फिर टच एंड गो के ऊपर बात आ गई। अब टच एंड गो में ये होता है कि आप यहां से पावर ऑन करने और स्टार्ट दबाएं, क्योंकि फंक्शन ये खुद सेलेक्ट करती है, सारा काम ये खुद करती है, तो आपको इसके अंदर कोई हैजल करने की जरूरत नहीं, आपकी मशीन बेहतरीन चलेगी, जबरदस्त रन करेगी। यहां से आप खुद ब खुद भी प्रोग्राम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फंक्शन है टच एंड गो के ऊपर रख ले, बेहतरीन ये चलेगा, बेहतरीन आपका काम इसके अंदर हो जाएगा। अब हम करते हैं
अंदर से जब हम बात करते हैं तो डिटर्जेंट के लिए उन्होंने बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लिक्विड डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं और दूसरा आम डिटर्जेंट भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अगर हम स्टड्स की बात करें तो बड़े बेहतरीन स्टड्स रखे हुए हैं रैबिट्स के लिए, चूहों के लिए उन्होंने ये इसके अंदर दिए कि आप नीचे से लगाएं ताकि आपकी जो मशीन है नीचे से उसको कोई चूहे वगैरह कोई तार वगैरह इसके अंदर काटे ना। अब आ जाते हैं हम कंपेरिजन करते हैं कि 900i के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये बात जहन में आप रख लें कि जो 900i है ये कोई इन्वर्टर नहीं है, ये जस्ट हम बात जब करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है टच सिस्टम का फर्क इन्होंने इसके अंदर डाल दिए। अगर आप इस वाले को देखें ये वाला, तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ टच टेक्नोलॉजी जो है ये इसका मैनुअल टच लगा हुआ है, और ये वाला जो है इसकी जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने फर्क डाल दिए, मिरर का इन्होंने लगाया हुआ है और बेहतरीन जो है इसके अंदर आप बाकी काम कर सकते हैं, कोई मजीद फर्क नहीं है, कोई जो है वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कह लें कि ये वाला जो है ये नहीं लेना चाहिए और ये लेना चाहिए। इसके अंदर अगर आप बात करें तो ये 41,000 की इस वक्त अवेलेबल है और इसकी अगर आप बात करें तो ये 43,500 की अवेलेबल है, 43,500 की यहाँ पे आपको अवेलेबल है, 1500 रुपए का फर्क है। तो ये जहन में रख लें कि 1500 रुपए में आपको इन्वर्टर मशीन नहीं मिलनी। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है कि जी 900i बेसिकली इन्वर्टर है, तो ये आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लें, ये कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, एक टच के साथ है और एक मैनुअल टच के साथ है, 5 साल कम की वारंटी दे रही है मोटर के ऊपर और 1 साल कम की वारंटी दे रही है पार्ट्स के ऊपर। इनके सब एनी प्रॉब्लम 042 102 103 ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त चल रहे हैं, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, अपने सर्विसेज के बारे में मालूमात ले सकते हैं। चूंकि कोरोना की तीसरी लेयर चल रही है, बहुत तेज़ हो चुकी है इस वक्त, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, प्रिकॉशंस पे अमल करें, इंतजामिया से आप जो है तआवुन करें, घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करें, ये आपके लिए सूटेबल है। हमारा जो ड्राइवर आएगा वो मुकम्मल SOPs के साथ आके बेहतरीन आपके घर उतार के आपको वहीं पे आप उनको पेमेंट करें। पिंडी इस्लामाबाद के लिए ये ऑप्शन हमने रखी हुई है, बाहर की शहरों के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको पेमेंट पहले देनी होती है, उसके बाद थ्रू केयर कार्गो आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको आपकी आइटम आपके शहर में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।